असलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं थोड़ा अपना ब्रा शुएब बस्ती बाजार वाला, तुम मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब अज असी सुने भी साढ़े पिंड योगी आया है भैया, बाल हाल हाल गत्ती खलोते हैं। तो मैं चल योगी मिलते हैं, पे सलाम दुआ करते हैं कि वह की चीज़ लैके फिर है भैया, वह आओ तो भी दिखाने। तो बहुत ज़्यादा मज़ा हमसे उन्हें गप शप करते हैं, पे कोई नुस्खे देखते हैं पे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या की हाल है भाईजान? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा, साढ़े व्यूवर्स ने अपना तारफ तक करवाओ। सही नाम मेरा मोहम्मद शिबाज। हाँ जी। अड्डा विजिया वाला खानेवाल रोड, जिला बिहाड़ी। हाँ, जिला बिहाड़ी। जिला बिहाड़ी से मेरी रहायश सरकार। मेरा काम है सांप फड़ने, दवाइयां बूटियां दा। अच्छा, सांप तुसी फड़ लेंदे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। केड़े केड़े नस्ल दे सांप फड़दे ने तुसी? सही, सांप दी वैसे नस्ल तो 171 नस्ल। 171 नस्ल। व्यूवर्स थानू पहले इस चीज़ का कोई नहीं पता है सप्पा दी कितनी नस्ल आउंदियां पियां। वो भाई दस रहे 171 नस्ल दे सांप होंदे ने पे। अच्छा, को जो मौजूद फिलहाल है कोबरा नांग है। कोबरा? कोबरा नांग दा एक नुकसान ते पांच फायदे है। अच्छा, एक के दा नुकसान है ते पांच दे फायदे है। ठीक हो गया। फायदा है दा केड़ा है भैया? नुकसान पहले नुकसान दा। नुकसान सही ए है कि बंदे नु लड़ जावे ते बंदा बगैर पासपोर्ट देते कोई बचन दा चांस कोई नहीं। एक परसेंट ही कोई नहीं, परसेंट ही कोई नहीं। बदी होवे तो गल वखरी है, खुट्टी दा कोई हल नहीं। अच्छा, बाकी सप दा पहला फायदा सरकार दी जिल्लत तो लईदा है, चंबड़ी दे कोंज तो कोंज विच 10-15 बूटियां पा के सैंड दवाई तैयार करनी है शर्तिया वालां दी। अच्छा, वालां वास्ते उम्र तो पहले वीर परा गंजे पांदा शिकार हो गए ने, बच्चियां पियां गंजे ने, बाल नहीं बंद रहे, बाल दो मुंह बाल चारे शर्तिया दवाई 15 दिन इंशाल्लाह तो लख लमेगा। दूसरा फायदा है तेल का, पुराने से पुराने दर्द बोलते से बोलते जोर से हड्डी का दर्द खा लेंगे। अच्छा, मतलब तुसी इहनू पहले पकड़ के फिर एदा मतलब वो तेल वगैरह बनाते हैं? ठीक है, फिर वो आवाम नू मतलब वो देंदे ने? ठीक हो गया। फिर तीसरा फायदा सरकार की हड्डी का, अंजीर गंभीर मुर्गी दौरा बेन लादी का मसला है, 21 दिन हड्डी तो बच्ची पीना लगे इंशाल्लाह तला शर्त या ट्रैप है। माशाल्लाह यार, जबरदस्त काम है यार। ये फायदे सही दुश्मन की गल्ला पा। मतलब एक ही चीज़ नुकसानदेह भी है, अल्लाह पाक ने ना एक चीज़ अगर नुकसान वास्ते बनाई है ना तो वो फायदे भी हैं नाल। बिल्कुल, मतलब कोई चीज़ बेकार कोई नहीं है। अच्छा, तुसी साडे व्यूवर्स नू विखाना चाहते हो अपना? हाँ, व्यूवर्स हुण तुहानू विखाने आ सब। अच्छा उस्ताद जी, ये हूँ डंग है, मतलब डंग मार सकता है या नहीं? जहर है? जहर कोई नहीं? नहीं, जहर बिल्कुल क्लियर है, जहर डंग नहीं पहचान, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, अगर ये डंग मारे भी सही तो नहीं, कुछ भी नहीं होता नुकसान? बिल्कुल, तो दो जहरीले मेरे जहर वाले दांत कुंडे। हां हां, वो कुंडे के बीच कोई नहीं है, काट लेने। काट ले। चलो माशाल्लाह। ओ बाबा, मैं तो गरीब बंदा। होने दा कोई नुकसान तो कोई नहीं ना? होने पहले वाले व्यक्ति से तरफ दा नुकसान। अच्छा, ये केड़ी नस्ल दा नाम है? ये जनाब किंग कोबरा। किंग कोबरा? जी, ब्लैक कोबरा जी में आते हैं। नहीं जी, कोबरा कहीं ना, रेड कोबरा, ब्लैक कोबरा। अच्छा, वाइट भी कोबरा है, लेकिन ये और कोबरा है, किंग कोबरा। इन सारे जो सख्त है दिया जी, ये जहरीला सारे नाम। और बेली ठीक है, असली पकड़ सकते हैं? नहीं सर, नहीं पकड़ सकते। नहीं, ठीक हो गया। व्यूवर तुसी वेख सकते हो, ये भाई कह रहे हैं भी कोबरा सप है और बहुत खतरनाक सप है भैया। तो भाई और आप पकड़े हुए है भैया, तो इनू अपने को रखो है भैया। ठीक हो गया। अच्छा व्यूवर, तुसी जोगी नू मिले ने, जोगी ने कोलो जो चीज़ आई पी उन्हें वो भी तुहानू शो करवाई है भाई। ठीक है, हूँ आप जोगी को पुछते हैं पे बई जी चीज़ सप वगैरह पकड़ते हैं पे वो किस चीज़ वास्ते मतलब फटते हैं पे, वो की फायदे ने पे, तो वो हूँ भाई तुहानू दसणगे बई अगर कोई बीमार बंदा है पे तो वह इलाज भी भाई करते हैं पे, तो वो कि मर्ज का इलाज करते हैं वो भाई हूँ तुहानू तफसील नाल दसे से। हाँ जी भाई जान, तुसी दसे सो साडे व्यूवर्स नू भाई किस किस चीज़ का तुसी इलाज करते हो? जो है ना शफा, शफा मिन जानिब अल्लाह, शफा मेरे मालिक दी जात। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह साडा खानदानी काम है, वाह दा, री दा, गर्मी दा, सुस्ती दा, कमजोरी दा, जरियान दा, हड खोर दा, गंजे पान दा शिकार, गोडिया दा मरीज, फालज वाला बंदा, ओदी जात दे सदके शर्तिया दवा।
पैसे अगर बहरो हस्पतालें देखो कितनी महंगाई है पई, आवाम धक्के खा रही है, फीसा भर भर लोग बिल्कुल तमाम होए पैन। ते अच्छी गल है भी अगर तुहानू इत्थों एक शर्ती इलाज मिलता है पिया, तुहानू फायदा है पिया, फायदा मिल सी ते ओ भाई तुहानू दस रहे मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह सही जो है ना डॉक्टर साहब तकरीबन 1500-1500 रुपए सिर्फ चेकअप करवाए के लेंदे। बिल्कुल बिल्कुल वो शायद शिफा दी पूरी बन के दे देंदे। शिफा मिन जान अल्लाह, शिफा मेरा अल्लाह देंदा है। ये देवे ता कख तो लाख कर दे, कख तो लाख कर दे। बिल्कुल ना देवे ता साईं लखां लाया भी नहीं कटेंगे। पर ले एक बूटी च शिफा ना होंदी ता अल्लाह कुरान च ना जिक्र फरमाउंदा, चांद और सूरज मुकरर वक्त पर चल रहे हैं, बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, तुम अपने परवरदिगार की कौन 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 सी नेमत को। ये सही कुरान पाक से अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है, मुसलमान वास्ते देसी बूटी बहुत बड़ी एक नेमत है, बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा लोग चुटला रहे हैं और इस नेमत से लोग कामयाब हो तो बंदा डॉक्टर तक क्लिनिक तो चुक गया। बिल्कुल बिल्कुल बंदा बीमार होवे ही ना सही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਡਾ ਵਿਜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਡੇ ਵਿਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0306-8290-286। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਇਸ ਤਰਫ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੀ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਇਮਾਨ, ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜਹਾਨ, ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੂਟੀ ਪਰ ਦੇਸੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਸੁਨਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਬੂਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਊਵਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬੀਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਝਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੀਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜੋ ਬਹਿਣਾ ਬਾਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇਸ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।